Welcome, my dear students, in this new topic. As we already discussed the 8051 microcontroller, here in this video we try to see the pin configuration of 8051. So this is the pin diagram which will be in front of you. 8051 microcontroller is of 40-pin IC, 40-pin ki IC hai. और ये IC को आपको study करने के लिए बहुत simple तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. और क्योंकि आपको 8051 को properly अगर study करना है तो आपको pin configuration ये topic सबसे important है, ये समझ में आना चाहिए. ये अगर समझ में आ गया तो आप किसी भी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ 8051. नाउ कैसे, तो अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि 8051 जो माइक्रोकंट्रोलर है ये कितने पिन का माइस, ये कितने पिन का माइक्रोकंट्रोलर. तो जो 8051 है ये टोटल 40 पिन की आईसी है. और उसमें भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ये साइड में क्या है कि ये साइड में ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना. ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि पिन नंबर 1 to 20 इधर है और राइट हैंड साइड में फ्रॉम 20 to 40 इधर है. ठीक है, तो ये उल्टा ऑर्डर है. अभी यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये समझ में आना चाहिए. माइक्रो कंट्रोल में जैसे अभी अपन ने स्टडी किया है फीचर्स में, तो फीचर्स में क्या बोलते हैं अपने को, ये फीचर्स में बोला है अपने को कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ये कितने हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने बोला है उन्होंने कि ये पोर्ट कितने अवेलेबल है, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कि देर आर फोर पोर्ट आर टू बी अवेलेबल. ठीक है, चार पोर्ट अवेलेबल है तो चार पोर्ट कौन कौन से, तो पहला है P1, दूसरा है P2, तीसरा है P3, चौथा है P4, पहला है P0, P1, P2, P3, ऐसे चार पोर्ट अवेलेबल है. ठीक है, ये चार पोर्ट अवेलेबल जो है ना, तो ये इसको हम इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आपको स्टडी करने के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या करना है. तो अभी देखिए यहाँ पे चार पोर्ट अवेलेबल है, पोर्ट P0, P1, P2, P3. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि सबसे पहले पिन नंबर 1 से कौन सा पोर्ट शुरू हो गया है, पिन नंबर 1 से पोर्ट 1 शुरू हो गया है. तो देखिए यहाँ पे पोर्ट 1, तो पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 8, क्योंकि हर एक पोर्ट कितने कितने बिट का है, 8 बिट का. देखिए पहले 8 बिट जो है ना ये है कर दिए प्योर. तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे कि कैसा स्टडी कर लेगा. इसका शॉर्टकट फॉर्म मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए. ठीक है, तो आपको इसको भी स्टडी करना है. ठीक है, तो पहला जो है ये निकाल दिया हमने P1 पोर्ट 1, पहले पिन पोर्ट 1 के लिए. ठीक है, उसके बाद में एक पिन छोड़ दो, यानी छोड़ना नहीं है उसको, थोड़ा सा स्किप करना है उसको. पिन नंबर 8 को नाम है तो करके वो थोड़ा सा अलग निकाल दो. और उसके बाद में तुरंत लग के ही पोर्ट 3 को ले लो, पोर्ट 3 टू पोर्ट 3.7. नेक्स्ट पर एक यहाँ 8 पिन पहले चले गए. ठीक है, 9वां पिन यहाँ पे RST के लिए छोड़ दो. फिर 10 से लेके 17 तक यहाँ पे पोर्ट 3 आ गए. ठीक, 17 तक हो गए यहाँ पे 17. ठीक, अभी उसके बाद क्या करना,
18 और 19 ऑक्सीलेटर दे देना, और ये जो है 20 20, और इधर से ऊपर से 40, ये है VCC और ये ग्राउंड, ये VCC और ये ग्राउंड, ये दोनों चले गए, ठीक है। तो सप्लाई भी हो गया अपना VCC ग्राउंड का, चलो ठीक है। ठीक है, तो पोर्ट 1 पोर्ट 3 स्केल रोड स्केल ग्राउंड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए इधर ऑब्जर्व किए, फ्रॉम 21 to 28 ये पोर्ट 2 हो गए, ये पोर्ट 2, और उसके बाद में पोर्ट 0। तो इसका मतलब आपको एक ख्याल में कैसे रखना है पहले तो ये चीज़ बता देता है। फिर उसके बाद 3 ये सिग्नल स्क्रीन, बस राइट हैंड साइड से एकदम सीधे। देखिए आपके पास 4 पोर्ट है, P0 P1 P2 P3, उसके बाद उसमें क्या करिए कि पूरे के चारों में से जो ऑड पोर्ट है, अगेन दिस नंबर, जो ऑड पोर्ट है वो राइट हैंड साइड में लिखिए। ऑड कौन कौन से है, तो ऑड में आता है 1 और 3, तो देखिए पोर्ट 1 पोर्ट 3 ये राइट लेफ्ट पे ला लिए, और राइट पे पूरे के पूरे इवर इवर कौन कौन है, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से आप अगर ये 8051 के, हाँ अभी यहाँ पे ये पोर्ट में कुछ पोर्ट पिन का काम ड्यूअल काम है, डबल काम कैसे है कि देखिए यहाँ पे ये पोर्ट 3 के जो पिन है वो सभी का काम अलग अलग है, सभी का काम अलग अलग है, तो कैसा है वो भी जान लीजिए कि देखिए पोर्ट 3.0 और 3.2 इन दोनों का है TXD RLD, ठीक है। INT bar 0 bar, INT 1 bar, देन T0 T1, और WR bar RD bar, चार, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल ऑसिलेटर के SPL to XPL 1, तो ऐसे हर एक का काम अलग अलग है। और दूसरी बात पोर्ट 2 जो है, तो पोर्ट 2 में आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो पोर्ट 2 में पूरे के पूरे जो है ना ये टर्म, ये एड्रेस है, अपर एड्रेस, हायर एड्रेस, और ये जो है पोर्ट 0 जो है ये एड्रेस कम डेटा बस, पोर्ट 0 में एड्रेस कम डेटा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ये 8051 माइक्रो एड्रेस में पिन कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।